हाँ जी, प्रभगुन, रूहानी एंड पुष्कर, एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू बेटी. यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट रिवोल्ट. इसमें से वी हैव कवर्ड 1830, ठीक है. देन 1830 इमीडिएटली अगर देखा जाए, ये जुलाई रिवोल्ट फ्रांस से रिलेटेड था, तो साथ ही मैंने आपको बता दिया था, कनेक्टेड था, इसलिए मैंने बता दिया पेरिस रिवोल्ट. देन लुइस फिलिप फ्लेड फ्रॉम द कंट्री एंड इलेक्शंस वर हेल्ड एंड फ्रांस बिकेम रिपब्लिक, ठीक है. इसके बाद थर्ड ग्रीक वॉर, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. अब इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से आपको कुछ इयर्स आपको याद रखने हैं. सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ग्रीस एक ऐसी कंट्री थी जिसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन माना जाता है. स्टार्टिंग, जैसे हम ये कहते हैं ना कि हमारी कंट्री में, इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऐसे ही ग्रीस वैली सिविलाइजेशन, ग्रीस सिविलाइजेशन यूरोपियन सिविलाइजेशन की क्रेडल, क्रेडल का मतलब होता है सेंटर ऑफ ऑल द सिविलाइजेशन माना जाता है. एंड ये जो ग्रीस जो सिटी कंट्री थी, दैट वॉज अंडर मुस्लिम्स, ठीक है. अब आप ये सोचो कि जब मुस्लिम्स के अंडर होंगे तो ऑटोमेटिकली उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होगा. एंड द डायनेस्टी एम्पायर का नाम क्या था? ऑटोमन एम्पायर. यही आप बिल्कुल एंड में जाके पढ़ते हो, जब आप पढ़ते हो बाल्कन्स, इट मींस ग्रीस वाज वन ऑफ द ग्रुप ऑफ बाल्कन्स. इसमें हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि हमने इसमें रिवोल्ट बताना है. तो स्ट्रगल कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1821. व्हाई द पीपल, व्हाई दे स्ट्रगल? बिकॉज दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन. ऑटोमन के अंडर थे ऑटोमन टर्क्स, टर्की, ठीक है. और ग्रीस जो थे इसमें कुछ जूइश थे और कुछ क्रिश्चियंस थे. और इसके बारे में अगर आपने और इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपकी बुक में एक पेंटिंग है. इस पेंटिंग को पेंट किया डेला क्रॉस, और डेला क्रॉस ने इसमें कुछ एक पिक्चर्स दिखाई गई हैं, जिस पिक्चर में ये दिखाया गया कि जब ऑटोमन्स ने ग्रीस के ऊपर अटैक किया था, देन मैनी पीपल दे वर किल्ड इन दैट इंसिडेंट. और ये आइलैंड, इस आइलैंड का नाम क्या था? कियोस, CHIOS. जैसे अगर यूरोप के लोग हमारे जलियांवाला बाग इंसिडेंट की कुछ पेंटिंग्स देखे तो उनको समझ आएगा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पीरियड में हमारे ऊपर एट्रोसिटीज की थी. ऐसे ही जब हम उस पेंटिंग को देखेंगे, डेला क्रॉस की पेंटिंग को देखेंगे, देन वी विल एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दीज पीपल वर एक्सप्लॉयटेड बाय द टर्क्स और ऑटोमन्स. एंड व्हाट वाज द मोटिव ऑफ दैट पेंटिंग? क्या मोटिव था? टू शो द सिंपथी फॉर ग्रीस. किनके लिए सिंपथी दिखाना? ग्रीस के लिए. और किसके अगेंस्ट करना? ऑटोमन्स, ठीक है. ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. और इसमें मेन इंपॉर्टेंट करेक्टर हमने किनका पढ़ा है? इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन. इन्होंने क्या किया? फंड्स कलेक्ट किए. और उस टाइम पीरियड में फ्रेंच आर्मीज जो थी अल्टीमेटली वो भी ग्रीस के ऊपर अटैक कर रही थी. तो ग्रीस एक ऐसी कंट्री था जो हर तरफ से, जैसे हम इंडिया की बात करें, एट दैट टाइम इंडिया वॉज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनी इन्वेडर्स. सो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम उस टाइम पीरियड में दिखाई गई है. और ये बताया गया है कि व्हेन लॉर्ड बायरन डाइड, उसके बाद अल्टीमेटली ग्रीस जो था दैट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1832. 1832 का ईयर आपने याद रखना है. और ये ट्रिटी, ट्रिटी का मतलब क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है. उस एग्रीमेंट का नाम क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल. तो अब ट्रिटी याद रखो और ट्रिटी का ईयर याद रखो, कौन से ईयर में हुई थी? 1832. और स्ट्रगल कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ? 1821. और लॉर्ड बायरन की डेथ कब हुई थी? 1824. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो आपने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए लर्न करने. इसके बाद नेक्स्ट जो है, दैट इज, सिट प्रॉपरली, आई एम टेलिंग यू अगेन, सिट प्रॉपरली एंड लिसन. हाँ जी, अब इसके बाद ये तो जो था ये जुलाई से रिलेटेड है, ठीक है. ये हो गया पेरिस रिवोल्ट, ये है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इनमें से हंगर एंड हार्डशिप जो है वो कौन सा है? इनमें से कौन सा है? 1848. तो ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया आपके साथ, अदरवाइज ये हंगर एंड हार्डशिप में आएगा. तो अब हमारे दो और रिवोल्ट रहते हैं. एक है हमारा ब्रसल. ब्रसल के बारे में तो बिल्कुल शॉर्ट में आपने बताना है कि ब्रसल इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम. और बेल्जियम को वीना ट्रिटी के अंडर किसके अंडर कर दिया था? नीदरलैंड के अंडर कर दिया था. बट द पीपल दे वर फेड अप फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ नीदरलैंड. एंड जब 1830 में फ्रांस में रिवोल्ट हुआ, सेम ईयर आपको ये लाइन भी याद होगी, ड्यूक मेटर्निक ने कहा था, व्हेन फ्रांस
स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट ब्रसल के ऊपर पड़ा। ब्रसल के लोगों ने, सपोज हम ये कह सकते हैं, ब्रसल और बेल्जियम गॉट सेपरेटेड फ्रॉम नीदरलैंड, यानी कि विनर ट्रीटी में जिसको जिसके अंडर किया था वो अब क्या हो गया, अंडू हो गया। अंडू का मतलब हो गया कि ब्रसल गॉट और बेल्जियम गॉट सेपरेटेड फ्रॉम नीदरलैंड, अलग अलग हो गए दोनों। तो ये एक रिवोल्ट है, ठीक है, ब्रसल रिवोल्ट, ये बिल्कुल शॉर्ट में है। नेक्स्ट हमने पढ़ा है 1845 सिलेशिया का रिवोल्ट, सिलेशिया रिवोल्ट। अगर सपोज अगर आपको यही सीक्वेंस में आए तो इससे सबसे पहले कौन सा रिवोल्ट हुआ, 1830, ठीक है, उसके बाद कौन सा हुआ, ब्रसल, ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपोल ट्रीटी कब हुई, 1832, ठीक है, उसके बाद 1845, देन 1848। एरियाज अलग अलग हैं 1830 और इसमें कॉमन एरिया क्या है, सेम है फ्रांस, ये है ग्रीस, ये है बेल्जियम और ये है सिलेशिया, एरियाज के नेम। हाँ जी, सेम ईयर 1830, ठीक है। अब सिलेशिया का रिवोल्ट क्या था, सिलेशिया में दो मेन पार्टीज याद रखो, एक तरफ थे कॉन्ट्रैक्टर्स, एक तरफ थे वीवर्स। वीवर्स कौन होते हैं, जो कपड़ा बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स कौन थे, जो उनको रॉ मटेरियल देते थे और पेमेंट करते थे। जब कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट ही नहीं मिलेगी और उनको बार बार जो है वो हरास किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सम मैनी वीवर्स दे डाइड ऑफ स्टारवेशन एंड दे ब्रॉट रेवोल्यूशन। और यही रेवोल्यूशन, जैसे हम आज के टाइम पीरियड में कह रहे हैं हमारी कंट्री में फार्मर रिवोल्ट हो रहा है, उस टाइम पीरियड में ऐसे ही वीवर्स का रिवोल्ट था। और जब लोग फेडअप हो जाते हैं गवर्नमेंट से तो ऑटोमेटिकली अटैक करते हैं, एंड दीज वीवर्स आल्सो अटैक ऑन द स्टोर हाउसेज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, और उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको जला दिया गया और अटैक किया गया। लेकिन बाद में इस रिवोल्ट को सप्रेस कर लिया विद द हेल्प ऑफ पुलिस एंड आर्मी, एंड सम वीवर्स लाइक 11 वीवर्स दे वर किल्ड इन दिस इंसिडेंट। एंड यूरोप की हिस्ट्री में ये भी एक रिवोल्ट माना जाता है, हंगर एंड हार्डशिप, जब लोग खाने के कारण या जब उनको खाना नहीं मिलता और भूख के कारण रिवोल्ट करते हैं, तो उसमें एक मेन रिवोल्ट है 1845 और दूसरा है 1848। तो ये हमने पूरे रिवोल्ट पढ़े। इसके बाद आपकी बुक में रोमांटिसिज्म का जो टॉपिक है, अदरवाइज तो हमने सारे जितने भी टॉपिक है वो किए हैं, ग्रिम ब्रदर्स, ये आपके राइट हैंड साइड में एक पैराग्राफ दिया गया है ना ग्रिम ब्रदर्स का, तो इससे रिलेटेड पूरा आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। कुछ बच्चों ने तो इसका आंसर दिया था, लेकिन सम स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू गिव द आंसर, सो लिसन प्रॉपरली अबाउट द स्टोरी ऑफ ग्रिम ब्रदर्स। नाम से ही पता लगता है कि दोनों ब्रदर्स थे, ट्विंस नहीं थे, उनके बीच में बर्थ का डिफरेंस था। तो पहले नाम याद रखो कि इनको ग्रिम ब्रदर्स क्यों कहते हैं और उनका ईयर याद रखो। नंबर वन, ग्रिम ब्रदर्स इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, देयर मेन कॉन्ट्रीब्यूशन इज टू गैदर फॉक टेल्स। फॉक टेल, गिव मी एनी वन एग्जाम्पल ऑफ फॉक टेल इन आर कंट्री, हमारी कंट्री की कोई भी फॉक टेल, चलो वर्ल्ड की फॉक टेल ही बता दो, सिंड्रेला फॉक टेल है, चलो ठीक है वर्ल्ड का बता दिया। हाँ जी, और पंजाब की लोहड़ी के टाइम पीरियड में दूल्हा भट्टी की स्टोरी हर कोई सॉन्ग में गाता, तो दैट इज द फॉक टेल, फॉक स्टोरी, ठीक है। तो ये हमारे पंजाब के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही हर स्टेट की अपनी फॉक स्टोरीज होती हैं, फॉक टेल्स होती हैं। तो एक कंट्री को यूनाइटेड करने में फॉक टेल्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इसका बेस्ट एग्जांपल किसने शो किया, ग्रिम ब्रदर्स ने, ठीक है। तो उनका कंट्रीब्यूशन मेन किसमें जाता है, फॉक टेल्स इकट्ठी की। 6 ईयर्स लगातार वो विलेज टू विलेज घूमते रहे और जो लोगों को ऑरली आती थी स्टोरीज उनको उन्होंने रिटन फॉर्म में लिखा, और उसके बाद अपने एरिया की जो स्टोरीज हैं उन स्टोरीज को रिटन फॉर्म में प्रेजेंट किया ताकि लोगों को अपने कल्चर के बारे में पता लगे, ठीक है। आज के भी टाइम पीरियड में, जब लोहड़ी के टाइम पीरियड में ये लोग सॉन्ग गाते हैं दूल्हा भट्टी का ना, सुंदर मुंदरी, तो किसी को ओरिजिनल स्टोरी नहीं पता होगी, लोग सिर्फ गाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पीछे जाकर नेट में सर्च करते हैं कि अल्टीमेटली व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ दैट। तो दैट इज अ फॉक टेल और फॉक स्टोरी। तो आप ये सोचो कि ग्रिम ब्रदर्स ने भी कुछ ऐसा एफर्ट किया होगा कि अपनी कंट्री के जितने भी फॉक टेल्स थी उनको इकट्ठा किया और कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्टेड करने में, यूनाइटेड करने में एक स्टोरीज का भी मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसको कहा जाता है रोमांटिक आर्टिस्ट, जो प्लेस के द्वारा, स्टोरीज के द्वारा आपके इमोशंस को टच करते हैं। कोई सॉन्ग लिखते हैं, कोई पोएम पढ़ते हो आप, कोई नॉवल जो है, या कोई किसी भी तरह की बुक पढ़ते हो। तो ग्रिम ब्रदर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले आप इनके नेम, फॉकटेल नेशन बिल्डिंग, यानी कि किस तरह से फॉकटेल जो है वो नेशन बिल्डिंग के लिए एक वेपन था। देन इनके नेम्स,
जैकब JACOB जैकब ग्रिम एंड सेकेंड इज विलम ग्रिम WILHELM विलम ग्रिम। दोनों ब्रदर्स थे, ट्विंस नहीं थे ये, तो इनका बर्थ ऑफ ईयर नंबर वन जैकब 1785 एंड विलम 1786। देन बॉर्न इन जर्मन, जर्मनी में थे और जर्मनी में एक जैसे सिटी या प्लेस का नाम हनायू HANAU। क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, गेट रेडी फॉर दैट। एंड इनका जो एजुकेशन जो था वो क्या था, दे स्टडीड लॉ, बोथ लॉ इनका मतलब फील्ड था। अब ये देखो कि लॉ पढ़ने के बाद वो किस तरह से लिटरेचर की तरफ अट्रैक्टेड हुए, अल्टीमेटली उनकी फील्ड थी लॉ, बट दे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लिटरेचर। देन हाउ मेनी इयर्स दे स्पेंड इन कलेक्टिंग फेयरी टेल्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जर्मन एरियाज एंड उनको उन्होंने ट्रांसलेट किया इनटू देयर ओन लैंग्वेज, दैट इज जर्मन लैंग्वेज। तो ये उनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था, ही स्पेंड सिक्स ईयर्स। एंड 1812 जो इम्पोर्टेंट ईयर माना जाता है, दे पब्लिश देयर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ फेयरी टेल्स, जर्मन फेयरी टेल्स। अगर आप कभी भी लाइब्रेरी में कहीं भी जाते हो ना, तो हर कंट्री की ना कुछ फेयरी टेल्स होती है। अगर रशिया की हैं तो वो रूसी फेयर टेल्स होंगी, अगर इंडिया की हैं तो वो इंडियन फेयरी टेल्स होंगी, ऐसे ही चाइनीज फेयरी टेल्स होती हैं। तो हर कंट्री की फेयरी टेल्स हैं, ऐसे ही जर्मनी की भी फेयरी टेल्स हैं। तो सबसे पहले ये जो एफर्ट था वो इन्होंने किया, ग्रिम ब्रदर्स। देन इसके बाद सेकेंड उनका एफर्ट क्या था, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस इनटू जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, तो उन्होंने एक डिक्शनरी जो है उसको प्रिपेयर किया, तो ये भी एक बहुत बड़ा एफर्ट था। और ये जो डिक्शनरी थी 33 वॉल्यूम मीन्स 33 पार्ट, क्योंकि आप अल्फाबेटिकली जो है वो डिक्शनरी जो है उसको कितने पार्ट्स में लिखते हो, तो उन्होंने लेटर्स के अकॉर्डिंग 33 वॉल्यूम डिक्शनरी जो है वो पब्लिश की। ये उनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था। देन नेक्स्ट इज, इसके अलावा उन्होंने बहुत से आर्टिकल्स लिखे हैं जिसमें फ्रेंच डोमिनेशन, फ्रेंच डोमिनेशन का मतलब क्या है कि जब इनके ऊपर फ्रेंच आर्मीज ने अटैक किया होगा या इनके एरियाज फ्रेंच यानी कि नेपोलियन या फ्रांस के अंडर होंगे, उस टाइम पीरियड में इनके एरियाज में जो जो भी प्रॉब्लम्स आई होंगी, इन्होंने उनको भी लिटरेचर या जिसे हम कहते हैं कि स्टोरीज की फॉर्म में लिखा है। तो इनकी स्टोरीज में इन्होंने फ्रेंच डोमिनेशन के बारे में लिखा। जैसे अगर कोई इंडिया के बारे में पढ़े तो 1947 से पहले आपने अगर मुंशी प्रेमचंद की गोदान अगर बुक के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया होगा, तो उस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में बताया गया कि व्हेन वी वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स वी वर फेसिंग सो मेनी सोशल इविल्स। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने भी अपनी जो इनकी राइटिंग्स हैं उसमें इन्होंने ऐसे फ्रेंच डोमिनेशन जब इनका एरिया फ्रांस के अंडर होगा, इनको कॉलोनाइज किया होगा, तो उनके बारे में लिखा गया। तो दैट वॉज ऑल अबाउट ग्रिम ब्रदर्स। तो ये भी रूल ऑफ कल्चर में एक इम्पॉर्टेंट जो है वो नेम है। इसके अलावा आपने और बहुत से नेम पढ़े हैं रोमांटिसिज्म में, तो फर्स्ट नेम हो गया ग्रिम ब्रदर्स, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड हो गया डेलाक्रॉस, डेलाक्रॉस मैंने आपको बताया कि ही पेंटेड द पिक्चर, और जिस पिक्चर में उन्होंने ग्रीस जो है उनके लोगों को दिखाया गया कि हाउ दे वर अटैक बाय द ऑटोमंस बाय द टर्क्स बाय द मुस्लिम्स। अब उनके बारे में उनकी पेंटिंग का ईयर कौन सा है, 1824 सेम ईयर व्हेन इंग्लिश लॉर्ड बायरन डाइड, तो ऐसे इसको कनेक्ट किया करो। ठीक है, देन वाज ही जर्मन रशियन और फ्रेंच पेंटर, फ्रेंच पेंटर, तो आपको ये भी आ सकता है। अब आप ये सोच लो कि जितने भी करेक्टर्स हैं उन करेक्टर्स के बारे में उनकी नेशनलिटी आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। देन इसके बाद आइलैंड, किस आइलैंड का जो है वो सीन दिखाया गया, जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया के दो आइलैंड है, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ठीक है, तो ग्रीस जो है, ग्रीस कंट्री का कौन सा आइलैंड दिखाया गया है, आइलैंड ऑफ थियोस CHIOS। ठीक है, तो ये आपको हो गया सेकंड रोमांटिक आर्टिस्ट में नंबर वन ग्रिम ब्रदर्स, सेकंड इज डेलाक्रॉस। थर्ड आ जाओ जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, पूरा नाम जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, और इन्होंने मेन जो वर्ड दिया था ये आपको क्वेश्चन भी आया था, कौन सा वर्ड दिया था इन्होंने, दास वॉ कॉमन पीपल। इन्होंने ये कहा कि अगर किसी ने भी ट्रू कल्चर देखना है तो कहाँ पे देखें, कॉमन पीपल जो आम आदमी होते हैं। अगर इंडिया को देखना है तो इंडिया को अगर देखना है तो फॉरनर्स को चाहिए वो कहाँ पे जाकर देखें, विलेज एरियाज में, वहां पे उनको ट्रू इंडिया जो है वो नजर आएगा।
ऐसे ही अगर आपने, इन्होंने ये कहा था कि अगर आपने किसी भी कंट्री का कल्चर देखना है तो कॉमन लोग जैसे रहते हैं वो वहां का मेन कल्चर होता है, जो उनके कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद इन्होंने एक और वर्ड दिया, स्पेलिंग नोट करो इसके, वॉक्सजिस्ट, VOLKSGEIST। वॉक्सजिस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉक्सजिस्ट? वॉक वर्ड जहां पे भी आ गया ना वहां पे मतलब है कॉमन। आप सोचो कि हिटलर ने अपनी कंट्री में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया था और नाम क्या दिया? वॉक्स वैगन, पीपल्स ड्रीम कार। जब उसने कार का प्रॉमिस किया था कि लोगों को कार प्रोवाइड करेगा और अपनी कंट्री में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया था, वॉक्स वैगन। तो वॉक्स मीन्स कॉमन पीपल, यानी कि लोगों के लिए जो बनाया गया। तो वॉक्स चीज का मतलब होता है ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन। अगर आपने देखनी है तो कहां देखो? कॉमन पीपल मीन्स दास वॉक, ठीक है, VOLKSGEIST, वॉक्सजिस्ट। नेक्स्ट हमने एक और जो है वो रोमांटिक आर्टिस्ट पढ़े हैं, दैट इज कैरोल कुरपिंस्की। कैरोल कुरपिंस्की, इन्होंने मेन जो जिसपे ज्यादा स्ट्रेस दिया, दैट इज फोक म्यूजिक एंड डांस। इन्होंने गॉटफ्राइड हर्डल ने दिया कॉमन पीपल के ऊपर मेन स्ट्रेस, कैरोल कुरपिंस्की ने किसके ऊपर स्ट्रेस दिया? फोक म्यूजिक एंड फोक डांस। ये फोक डांस का ही एक इफेक्ट होता है कि जब भी मैरिजेस में ढोल बजता है तो सब, जिसको डांस नहीं भी करना आता वो नाचते हैं। तो ये किसका इम्पैक्ट है? फोक डांस या फोक म्यूजिक। हमारे पंजाब का फोक डांस क्या है? भांगड़ा, गिद्धा। फोक म्यूजिक, हम सभी जो है पंजाबी म्यूजिक सुनते हैं। ऐसे ही लिसन, बस बस आप, आपके इंटरेस्ट की अब आप बात आ गई ना, तो हाँ जी बातें शुरू हो गई, ठीक है। यस, हाँ जी, कैरोल कुरपिंस्की के अकॉर्डिंग अगर आपने किसी भी कंट्री को यूनाइट करना है ना, तो उसके लिए फोक म्यूजिक एंड फोक डांस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और उन्होंने जिस म्यूजिक और जिस डांस को पॉपुलराइज किया, उनका नाम क्या था? वो नेम आपने याद रखने हैं, एक है मजुर्का, MAZURKA, मजुर्का एंड पोलनाइज, POLANISE, पोलनाइज। और बाद में इनको ही उन्होंने क्या बना दिया? नेशनल सिंबल्स, नेशनल डांस। एंड जिस टाइम पीरियड में उन्होंने ये बनाया ना, एट दैट टाइम दीज पीपल दे सफर्ड फ्रॉम द कॉलोनाइजेशन। इसकी एक स्टोरी आपने पढ़ी है बेटा, रशिया एंड पोलैंड। आपको मैंने ट्रीटी ऑफ वियना में करवाया था, व्हेन सम पार्ट्स ऑफ पोलैंड वाज गिवन टू रशिया। एट दैट टाइम व्हिच लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन दोज पीपल? रशियन, ठीक है। जो पोलैंड के लोग थे उनको वो पॉलिश नहीं बोलेंगे, उनको क्या बोलनी पड़ेगी? रशियन। और ऐसे में अगर वो प्रे भी करते थे, देन दीज पीपल दे वर अरेस्टेड, कि अगर वो अपनी लैंग्वेज में भी प्रे करते थे, ठीक है। तो ऐसे में कैरोल कुरपिंस्की ने लोगों को इस चीज के लिए इंस्पायर किया कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, आपको अपना जो नेशनल, जो भी आपका थीम है, चाहे आपका म्यूजिक है चाहे डांस है, वो नहीं छोड़ना चाहिए। द वे टू यूनाइट पीपल, जैसे हमारी कंट्री में हम ये कह सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी या बॉर्न फायर या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए, रैलीज करने के लिए इंस्पायर किया। तो इन्होंने, जैसे आप महाराष्ट्र में जो गणेश चतुर्थी मनाते हैं ना, उसमें क्या होता है, अर्लियर इट वॉज नॉट सेलिब्रेटेड ऑन लार्ज स्केल, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने इन पुरानी स्टोरीज को लोगों को इंट्रोड्यूस किया, एंड पीपल फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट एरियाज दे गैदर्ड, इकट्ठे हुए और वो लॉर्ड गणेशा की मूर्ति को लेकर आते थे और बाद में विसर्जन के लिए लेकर जाते थे। तो दैट शोड यूनिटी, ब्रिटिशर्स को वो यूनिटी दिखाने के लिए उन्होंने फेस्टिवल्स को लार्ज स्केल पे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। पर अर्लियर इट वॉज नॉट लाइक दैट, हिस्ट्री में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं मिलता कि लार्ज स्केल पे लोग सेलिब्रेट करते थे। और धीरे 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 ये ट्रेंड महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर ऑल ओवर इंडिया शुरू हो गया। देखा जाए तो आज से 10 साल पहले, 15 इयर्स पहले लोग ऐसा सेलिब्रेशन नहीं करते थे, लेकिन नाउ पीपल दे हैव स्टार्टेड। एक स्टेट दूसरे स्टेट में जब कल्चर मिक्स होता है तो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ कल्चरल, हम ये कह सकते हैं फ्यूजन भी हो सकता है और ये एक तरह से नेशनलिज्म का भी पार्ट होता है। और कैरोल कुरपिंस्की ने किसको पॉपुलराइज किया? माजुर्का एंड कॉलोनाइज। रोमांटिक आर्टिस्ट नंबर वन ग्रिम ब्रदर्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। नंबर टू गॉटफ्राइड हर्डल, थर्ड डेला क्रॉस, फोर्थ कैरोल कुरपिंस्की। तो ये मेन जो है वो आर्टिस्ट के नेम और उनके क्वेश्चंस आपको लर्न होने चाहिए। क्लियर? एनी डाउट? हां जी बेटा।
विच पेज? 11 पेज।